भाजपा के निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा के बारे में भड़काऊ वीडियो बनाने और धमकाने के आरोप में अजमेर दरगाह के एक खादिम मौलवी को देर रात अजमेर से गिरफ्तार किया गया है और इस खादिम ने कथित वीडियो में शर्मा का सिर कलम करने वालों को अपना घर उपहार में देने की बात कही थी। वहीं पुलिस ने आरोपी सलमान चिश्ती को कल रात गिरफ्तार किया है और वह दरगाह पुलिस थाने में हिस्ट्री सीटर भी है। बता दें कि एक शिकायत के आधार पर पुलिस ने इस खादिम के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं अजमेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने कहा है कि आरोपी को खादिम मोहल्ले स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया और पुलिस थाने लाया गया है और प्रथम दृष्टिया में उसने यह कथित वीडियो नशे की हालत में बनाया है। वहीं इस मामले में आगे जांच की जा रही है। और पहले जैसा नहीं रहा, नहीं तो मैं बोलता नहीं। मेरे को कसम है मेरे बुजुर्ग जलाल की, जिसने पैदा किया मेरी उस माँ की, मैं उसे मेरे बच्चों की कसम में, और आज भी कुछ भी नहीं है, सीधा ठोक के कहता हूँ, जो नूपुर शर्मा की गर्दन लाएगा मैं अपना उसे ये घर दे दूंगा, पूरा रोस्ते भी निकल जाऊंगा। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए कोबरा पोस्ट हिंदी को सब्सक्राइब करें और अलर्ट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। और हाँ दोस्तों, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।